उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। अब पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी यानी रविवार को होगा। इस चरण में प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। कुंडा सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शुक्रवार को रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर पलटवार किया। राजा भैया ने रोड शो के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धरती पर कोई अभी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा सके। सात पीढ़ी लग जाए तो भी कुंडा में कुंडी नहीं लग सकते हैं। गलत फहमी दूर कर लीजिए। सरकार ना बनती है ना हम बनने देंगे। देर की परीक्षा ना ले, चुनाव लड़त रहिए। राजा भैया ने आगे कहा कि हमहू चाहता ही कि गुंडा के चुनाव शांतिपूर्ण निपट जाए, अपने क्षेत्र के बदनामी ना होए। राजा भैया के अखिलेश यादव पर पलटवार से जनसत्ता कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है। आपको बता दें कि पांचवें चरण में 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में कुल 693 प्रत्याशी अपने किस्मत आजमाएंगे। अंतिम दिन कई दलों के दिग्गज नेताओं ने तूफानी दौरे की तरह चुनावी प्रचार किया। सभी पार्टियों के बड़े चेहरों ने प्रचार करते हुए मतदाताओं से समर्थन मांगा। राजा भैया की कुंडा विधानसभा का चुनाव इसी चरण में होना है और इस चरण में होने की वजह से अब और मामला तगड़ा हाई प्रोफाइल सीट का हो गया है। देखना होगा कि कुंडा में इस बार बदलाव होगा या कुंडा में एक बार फिर राजा भैया की सत्ता होगी।